सुबह की शुरुआत करती है जीरा पानी के साथ। जीरा पानी लेकर नरमा अपना पीने लगी हूँ। कई कमेंट थे कि क्या इस डाइट में बस ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ही ले सकते हैं बस। हेलो जी, राम राम। टाइम हो गया है 5:15, तो पहुंच गए हैं छत पर, उठा लें अपने मैट वगैरह। तो सबसे पहले तो मैटों की तरफ ही ध्यान जाता है, हमें मैट उठाने हैं। देखते हैं खोल के बाहर कैसा है। कल तो थी ठंड, एकदम ठंडी ठंडी आती है, अंदर से निकलते हैं ना। ठीक है, आज हवा नहीं है, कल हवा थी। जिस दिन हवा होती है उस दिन ठंडा होता है। बस तो पोल्यूशन इतना हो रहा है। मैं आई सुबह जब भी इतना ही था, और अब तो होना ही है। अब तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो उतना ज़्यादा होता रहेगा। तो सांस में यूँ लग रहा है कहाँ है आज। अनुलोम विलोम और कपालभाति नहीं करूँगी, क्यों मेरी चली हुई है योगा। ये असल में ये जीरिया निकलने लगी ना, हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन पर सारा बैन ला दिया। जब तक ये पोल्यूशन नहीं ख़त्म होगा 2-3 महीने के लिए सारा बंद। ये बनाया करता लेंटरी बीच में ही रह गया लटकता, कुछ सारे मकान इस तरह रह गया लटकते, कई दिन से लगा हुआ है यह। अगर आपको भूख लग सकती है तो आप बीच में पनीर या थोड़ी बहुत रोस्टेड मूंगफली या मखाना ले सकते हैं। वैसे भूख लगती ही नहीं, क्यों पानी और ग्रीन टी इतना हो जाता है कि भूख ही नहीं लगती। कभी वैसे मन करता है तो मैं थोड़ा बहुत पनीर ले लेती हूँ या मखाना ले लेती हूँ। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने एस जी व्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। ये अपना काम हो गया, एक्सरसाइज होगी, पेट को ध्यान दे दिया, पानी पालक काट ली, और पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उनका महा घुटा है। तो चलते हैं अपना, मैंने अनुलोम विलोम कपाल भाती तो करी नहीं, और एक्सरसाइज ही करी है आज तो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब कई दिन ही रहेगा, ये तो कई महीने का नाम का हो गया दिन, नहीं कितने एक दिन रहेगा पता नहीं। आज मेरी मोस्टली अंदर की होगी, एक बाथरूम था वो और मैंने कर दिया। वो करने के बाद ही फिर मैं लगी थी सब्जियां वगैरह बनाने। उस सब्जी में बन रहा था पालक पनीर, जो मैं पालक छत पे से काट के लाई थी, अपनी घरवाली की बन जाती है, अब तो उसी में काम चल जाता है। और एक्सरसाइज पे भी कमेंट थे कि एक्सरसाइज ज़रूरी है। देखो, बेली फैट वगैरह के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और इसी से बेली कम होती है, पेट कम होता है। पेट वाली जो फ्लोर वाली हम एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे ये कम नहीं होता, जिसका ज़्यादा होता है। राम राम। वैसे भी जी चल रही थी, मैं चलो अब बात कर लेते हैं। पहले तो बाथरूम धोने लगी, एक रह रहा था यो भी आज कर दिया मेरा, अब हो गया क्लीनिंग वाला मेरा बिल्कुल फिनिश, मेरा हो गया बिल्कुल, क्यों कब बोल नहीं है बाद में होते रहेंगे। तो यूँ था बस, नवरात्रा तक ये निमटाना है, तो वो मेरा निमट गया। तो फिर और काम हो गया, यूँ ही लग्या रहता है आदमी। कपड़े धोए तो कपड़े में लगी रही, तो कपड़े भी तो रोज हो जाते हैं, फिर कपड़े धोने लगी, फिर सब्जी सब्जी रेंज, फिर यूँ हो गया सब्जी बनाने में लेट नहीं हो जाऊँ तो उसमें लगी, बस फटाफट फटाफट लगी गई। मैं कैमरे को ऑन करके मैंने छोड़ दिया ज़्यादा नहीं, फिर मैंने छेड़ाखानी करी, बार बार कट वाला नहीं करा, वो बोलती तो बार बार कट करना पड़ता। ब्रेकफास्ट करके ललिता काम करने अब आई है, तो उससे काम करवा कर नर मैंने जाना है अपनी फ्रेंडों के कपड़े देने, एक की चुन्नी देनी, एक का ब्लाउज का वर्क करवाने। वर्क वाली का मेरे को ही पता है, उनको पता नहीं है। तो पहले तो सोच रहे थे गाड़ी लेके चलेंगे तो वो भी चल पड़ेंगे, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं दे आती हूँ, लेने चलेंगे उस दिन चल पड़ेंगे। तो अब मैंने ये देने जाना है, जो मेरी होती है नहीं वुमेन फैशन वाली, उनके पास मैं जाती हूँ, तो पता भी है, उनकी वीडियो भी होती है, उनका वो डलते भी है। मेरे जो सूट वर्क होकर आते हैं वहीं से ही आते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ जाती हूँ आज एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्यों मैं चाहती काम करने के बाद। इस टाइम में शाम को मेरे से नहीं जाया जाता, निकला भी जाता है, शाम को किचन के भी काम हो जाते हैं, फिर ऊपर पौधे आगे भी हो जाते हैं, तो फिर शहर का भी हो जाता है, तो ये टाइम थोड़ा यूँ होता है, 1-1.5 घंटा है, तो इसमें मैं अपने काम निपटा जाती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में मेरे फ्रूट और ड्राई फ्रूट ही रहेंगे, जो मैं भिगो के सोख करके रखती हूँ, पपीता और अमरूद, और कुछ ऐसा है नहीं। नवरात्रों में थोड़ा सा चेंज कर दूँगी, तो बने रही यो कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। फिर मैं आ गई थी यहाँ अनीता के पास, तो ये सूट लगी थी दिखाने, बहुत प्यारा सूट कराया हुआ था तैयार इसने, तो मैं चलो एक बार खोल के पूरा ही दिखा दे, तो अच्छा कलर भी अच्छा था और वर्क भी अच्छा किया हुआ था। कलर प्यारा लग रहा है, सिल्वर उबर गया इसमें। ये फिर और भी दिखाने लगी, जिस जिस के वर्क वो कह रहे थे डेली रूटीन के, तो इनका चैनल का नाम है न्यू वूमेन फैशन के नाम से, इनका और इंस्टाग्राम पर भी है।
ये आपने डाला था शॉर्ट में ना, इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, मैंने देखा हुआ। हाँ इंस्टा पे डाल रहा हूँ। चुन्नी उन्नी की आपकी? अच्छा नहीं, चुन्नी भी अच्छी है। कितने की? 500। अच्छा। इंस्टा की आईडी सोनीपत फैशन बुटीक के नाम से है नी। काम अच्छा करती है, हम तो सभी फ्रेंड सारा इसी के पास करवा के लाते हैं जितना भी होता है। वेलकम बैक राम राम जी। मैं आकर नर अपना खाना बना दिया, सबको दे दिया है, वहाँ से ले गई थी, बता भी रही थी मैं फ्रेंडों के कपड़े देने, तो वहाँ फंस गई फिर जाम में, लेट होगी फिर, मैं जाते जाते फंस गई थी आते वक्तों में, पर वहाँ तो फिर मैंने थोड़ी देर लगाई थी देखा नर, फिर आई फटाफट से भागी हुई, क्यों नहीं खाता दिप होता है, खाना टाइम होता है इनके साथ ही फिर मेरा भी होता है। तो आके नर अब अपना खाना लेकर नर बैठे हैं। 21 डेज के हार्ड चैलेंज का आज मेरा 12वां दिन है। अब तो नज़दीक लगे गए, आप गया आप और रह गया है, आधे दिन गए हैं, 10 दिन और रह गए बस। तो अपनी प्लेट लें बैठी हूँ, पालक पनीर है, दही है, सैलेड है और एक रोटी है, जो अब अपना खा लेती हूँ। क्यों गए हुए थे तो थक गए ना, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, आधा बना हुआ है तो खा लेते हैं भाई। बेटा कह रहा है पालक पनीर अच्छा बना हुआ है, तो मैं चलो खा लेते हैं, खा लूँ मैं भी, इन्हें तो खा लिया। फिर लगी थी मैं गीता पढ़ने टाइम पास के लिए, तो ग्रीन टी पीने से पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ गीता। तो गीता में आज मैंने पढ़ा कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका मन शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म रूप योगी को निश्चित रूप से उत्तम सुख प्राप्त होता है। बर्तन धोकर नरचोसों का कपड़े धोए थे वो उतार के लेके आई थी, वो उतारने के बाद गीता पढ़ने लगी, गीता पढ़ती पढ़ती को ना नींद आने लगी तो मैं अपना पढ़ के ना 10 पेज है ना ग्रीन टी पी लेती हूँ फिर सोऊंगी। वो काम असल में पता है क्या होता है, घर में चाहे मेरे को सारा दिन लगाए रहो, मेरे को कोई थकान नहीं होती। अगर मेरे को कहीं जाना पड़ जाए ना, मैं वहाँ से थकी ही आती हूँ, स्कूटी चला के जाना आना, मेरे को पता नहीं क्यों ये चीज़ें होती है। तो गई थी ना जाने में, कुछ जाम में बता रही थी मैं फंसी की जाम में होगी, और फिर आने जाने में ही वहाँ भी मेरे को टाइम लग जाए। मैं तो मार्केट भी जाया करूँ तो आधा घंटे में अपना निपटा कर जब भी आ जाया करूँ, आज लग गया टाइम। मैं इतनी मार्केट जा कर खुश नहीं होया करती, कहने का ये है मैं अपना ज़रूरत का काम हो करो और वापस आ जाओ, पता नहीं क्यों थकान होती है बाहर जाने से। घर में मेरे को हाँ घर में चाहे सारा दिन लगाए रहो, सारा दिन लगे रहूँगी कुछ नहीं होएगा, वो थोड़ी बहुत चलो वो तो होती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है वो तो। पर ये जो थकान होती है ना, ये बहुत देर रहती है, जब तक ना सो लूँगी ना जब तक नहीं होएगी। तो मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ। टाइम हो गया अपने साथ, अपना सैर करके आई हूँ। तो दलिया वेज दलिया बना के गई थी, अपना बनाया हुआ है, अब इसको खाऊँगी, सारे ही खा लेते हैं ना सब्जियाँ डाल के ना, नमकीन चावल की तरह टेस्टी लग रहा है ना नमकीन दलिया भी। फिर सारी सब्जियाँ गाजर मटर हैं, बीन्स डाली हुई हैं, सैर भी होगी और अब डाल के खा लूँ, क्यों फिर लेट हो जाती हूँ। कई कमेंट थे कि एक्सरसाइज या सैर में से कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है, एक्सरसाइज करना चाहोगे या सैर करना चाहोगे, एक चीज़ करनी होती है। मेरे को तो ये है, मेरी आदत है तो सुबह योगा करने की और शाम को सैर कराती हूँ, क्योंकि मैं तो सैर करने पहले से ही जाती हूँ। 21 हार्ड वाला चैलेंज लेने के बाद नहीं जाने लगी मैं, पहले से ही जा रही हूँ सैर, तो मैं हमेशा ही जाती हूँ, और योगा वाला भी मेरा तो दोनों टाइम का ये रूटीन चलता ही है। तो जो भी आपको यूँ लगे कि मैं ये कर सकती हूँ, सैर कर सकती हूँ या एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो कुछ भी कर सकते हो दोनों में से ना, जो से मैं आपकी टाइम की एडजस्टमेंट होती है, अपने टाइम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। हाँ एक्सरसाइज में ये है, बेली फैट वगैरह ये चीज़ें कम हो जाती हैं, बेली वाली एक्सरसाइजें हैं या और कोई एक्सरसाइज है, पूरा बॉडी पार्ट की हो जाती है। सैर में आपको सैर ही होएगी, तो यही है। और ना अपना देखना होता है कि मेरा कौन सा टाइम सेट करता है और मैं कौन सी चीज़ आसानी से कर सकती हूँ, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ अपना डिनर कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक राम राम।